इंडिया माय वे। मैं हूं दीपक और मैं आपको लेके आया हूं रंगीला राजस्थान के जोधपुर सिटी में और यहां के उभरते हुए टूरिस्ट प्लेस में जिसका नाम है सूरपुरा डैम। मैं आपको बताऊंगा यहां क्या क्या किया जा सकता है और यहां की एक्टिविटीज़ के बारे में और यहां कैसे पहुँच सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सूरपुरा डैम की एंट्री लगभग यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर आपको साइड साइड में पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाएगी। काफ़ी लोग यहाँ पे पार्किंग का एरिया बना के रखे हैं। 10 रुपये पार्किंग चार्ज के साथ ये बाइक का पार्क रखते हैं अपने पास। यहाँ से आप अंदर जाने का रास्ता है, तो चलिए मैं आपको इसके अंदर की तरफ लेके। ये एंट्री गेट सूरपुरा वाटर स्पोर्ट्स। बगल का लोकेशन, यहाँ पे बेसन के पकोड़े और स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। ये एक वॉच टावर। आप देख सकते हैं बहुत सारी फैमिली यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आई है। बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक अच्छा पार्क, एक ओपन जिम। इस डैम में पहुंचने के लिए आपको कोई व्हीकल वैसे मिलेगा नहीं, आपको अपना प्राइवेट व्हीकल या गाड़ी बुक करके आना पड़ेगा। यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए कोई ऑटो नहीं चलते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में ही आपको आना पड़ेगा और आप यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये फ्यूचर का एक बहुत प्यारा टूरिस्ट लोकेशन होने वाला है। और शाम के समय यहाँ बहुत टूरिस्ट होते हैं और यहाँ पे बोटिंग भी की जा सकती है। आप देख सक रहे हैं यहाँ पे बोटिंग स्पॉट और काफ़ी पानी है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो एक बहुत सुंदर टूरिस्ट स्पॉट होगा अगले फ्यूचर में। अभी से यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ भाड़ आने लगी है, लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। यहाँ का कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, बस आपको पार्किंग के 10-15 रुपए गांव वालों को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और आप यहाँ पे आके अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। ये एक फैमिली पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। बहुत सुंदर इसका व्यू बनाया जा रहा है और अभी इसमें काम वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, काफ़ी लाइट वगैरह लग चुकी हैं। यहाँ पर आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर फ़ोटो के पर्पज़ से आए हैं और बहुत से लोग यहाँ फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आए हैं। एक अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे, शाम के समय बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये डैम पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इस डैम से लगभग आधे जोधपुर को पानी का सप्लाई होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगती जा रही है, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, बहुत भीड़ हो गई है। अभी थोड़ी देर के बाद जब मौसम और अच्छा होगा, धूप खिलेगी, धूप हटेगी, उसके बाद और ज़्यादा भीड़ होने वाली है। यहाँ पर लोग पूरी फैमिली के साथ यहाँ एक पिकनिक स्पॉट की तरह आए हैं। देखिए कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे फुल एंजॉय किया जा रहा है बच्चों द्वारा। बहुत प्यारी लोकेशन हो गई है। तो दोस्तों उस साइड पे बोटिंग हो रही है, तो हम लोग अब बोटिंग की तरफ जाके देखते हैं। मैं आपको यहाँ के रेट्स बताऊँगा कि क्या रेट्स हैं और कौन कौन सी बोट अवेलेबल है। तो चलिए थोड़ा टाइम बोटिंग में स्पेंड करते हैं। देखिए कुछ लोग बोटिंग करके आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बोटिंग की यहाँ पे व्यवस्था, देखते हैं कौन कौन सी बोट अवेलेबल है। नॉर्मल बोट का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति आधे घंटे के लिए, स्पीड बोट का 200 रुपये एक राउंड। तो हमने अपना टिकट ले लिया है, तीनों ने 300 रुपये का तीन टिकट। अब हम अपने लिए एक लाइफ जैकेट सर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम बोट में जाएंगे। तो मैंने अभी पता किया यहाँ पे आने का टाइम वैसे सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे आप वीक में किसी भी दिन आ सकते हैं, ये हर दिन खुला रहता है, जो सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक यहाँ पे आ जा सकता है। शाम को यहाँ पे डीजे सिस्टम भी लगाते हैं, जो म्यूज़िक के साथ यहाँ लेक का आनंद कुछ अलग ही आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गाने बजने लगते हैं,
तो अब गाने बजने शुरू हो गए हैं, लोगों का एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाने बजने के बाद यहाँ का माहौल कुछ अच्छा, बहुत अच्छा नज़र आने लगा है, एक उत्साह दिखाई दे रहा है। अब बोटिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, सूरज ढल रहा है, ऑलमोस्ट शाम के 5:50 हुए हैं। अभी मौसम थोड़ी देर के बाद और अच्छा हो जाएगा, यह लेक शाम को 8 बजे तक खुली रहती है और इन सॉन्ग के साथ ये लेक के नज़ारे कुछ और अच्छे होने लगे हैं। दोस्तों आपको जोधपुर का यह नया उभरता हुआ टूरिस्ट प्लेस कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वारी वगैरह हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वारी को जल्दी से जल्दी आपकी क्वारी सॉल्व की जाए और आप यहाँ पे पहुँच के आप भी यहाँ की वादियों के नज़ारे देख सकें।